बेगूसराय में नगर निगम का चुनाव होना है, ऐसे में न सिर्फ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बल्कि मेयर प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर जहां लोगों की समस्याएं सुन रही है, वहीं मेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। वहीं रविवार को मेयर प्रत्याशी गीता कुमारी ने नगर निगम क्षेत्र के लोहिया नगर के विभिन्न घरों में डोर टू डोर अभियान चलाया। साथ ही इस संबंध में डॉक्टर गीता कुमारी ने बताया कि वह आगामी होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद की प्रत्याशी हैं और इसी सिलसिले में वह लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हो रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस वक्त जलजमाव एक बड़ी समस्या है जिससे तमाम लोग जूझ रहे हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप से इसकी एक मुख्य वजह है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई तरह की समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह मेयर पद पर चुनाव जीतती हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शौचालय, जल निकासी एवं बीपीएल परिवारों को आवास योजना, महिलाओं की सुरक्षा आदि की बेहतर इंतजाम करना, साथ ही साथ बेगूसराय जिले में बच्चों के लिए खेलना का पाक्का घोर अभाव है, वही साथ ही साथ उसके निर्माण के लिए वो सबसे पहले काम करेगी। बताते चले कि बेगूसराय नगर निगम का चुनाव कुछ महीने पहले ही होना था, पर कोर्ट के आदेश के बाद यह व्यवस्था का स्थगित हो गया है। वहीं डॉ गीता कुमारी ने लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार हुआ। मैं लगातार पिछले 1.5 महीने से मैडम के साथ, डॉक्टर गीता कुमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं इस बार बेगूसराय से, उनके साथ क्षेत्र भ्रमण में लगा हुआ हूँ। आज सुबह से लोहिया नगर में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी का। हर जगह गंदे नाले का पानी रोड पर पड़ा हुआ है, कहीं ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कहीं ढक्कन है तो टूटा हुआ है। हर जगह गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है। लोग काफ़ी पीड़ित है। अभी तो कुछ स्थिति ठीक भी लग रहा है। लोग बता रहे थे कि 1 महीना पहले एकदम नारकीय स्थिति थी, बाढ़ पीड़ित जिंदगी वो लोग जी रहे थे। तो काफ़ी समस्या है और शुद्ध जल पेयजल का तो अभाव है ही, और बाकी तो वही सब समस्या है जो हर वार्ड की है, लेकिन स्पेशली इतना नारकीय जिंदगी मैंने कभी किसी वार्ड में नहीं देखा है। एक सरकारी संस्था के द्वारा उनको कोई जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन उनको से बैठक करके जो नगर निगम के जो लोग करता धरता है उनको समझना चाहिए कि हर रोड को एक बार नहीं तोड़ना चाहिए। किसी रोड को तोड़ते तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते, फिर उसका कंस्ट्रक्शन करते, फिर दूसरी जगह काम करते। यहाँ पूरे शहर को एक ही बार में कोर दिया गया है, जिसके वजह से हर जगह जल जमाव हुआ। जल जमाव होने के वजह से यातायात का प्रॉब्लम हुआ, डेंगू जैसी महामारी बेगूसराय में फैली, जिसमें कि सैकड़ों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और हजारों लोगों को लाखों का खर्च हुआ। ये हमारे गरीब समाज की जो जनता है, गरीब जनता, ये सब अर्थ का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि शहर साफ सुथरा रहे। मैडम मेयर पद की उम्मीदवार है, डॉक्टर है, फिर भी पेशे से चिकित्सक होने के बाद भी समाज सेवा का वो भी एक अच्छा मंच है, फिर भी राजनीति में इसीलिए आना, पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के बाद भी आई है कि ताकि शहर की समस्या को ठीक से सुन सके, समझ सके, जनता के साथ बैठ के उनकी बातों को सुन के उनके अनुसार हर वार्ड का काम हो। वार्ड में जो प्रायोरिटी वर्क है वो सही से होना चाहिए, और जब तक जन समस्या को सुनेंगे नहीं, एरोगेंसी रखेंगे, तब तक जनता तो दूर हो जाएगी अपने नेता से। हम लोग चाहते हैं कि मिलनसार उम्मीदवार हैं जैसे गीता कुमारी जी, मिले, आम जनता से रूबरू हो, इनकी समस्या का निराकरण करें, इसी के लिए हम लोग हैं। और समस्या बहुत तरह की है, समस्या को गिनवाने लगेंगे तो भर दिन हो जाएगा। से जो कहेंगे वही करेंगे, ये हमारा जनता से वादा भी है। और मैडम जनसंपर्क अभियान में खुद ही पिछले 1.5 महीने से डोर टू डोर भ्रमण कर रही है। इसका मतलब यह है कि जनता की समस्या को अपने आंखों से देखना, सुनना और उनके निराकरण के विषय में प्रयास करना। महीना में 2 बार 3 बार आती है, कहते हैं मतलब नहीं सुधार नहीं हुआ। तो बोलिए ना, यही बनना चाहिए, नगर निगम का घोषणा हो गया, नगर निगम हुआ ठीक है। घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बर्थडे
अभी 4500 वार्ड में डोर टू डोर जा करके लोगों से जनसंपर्क कर रही हूँ, उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रही हूँ और लोग खुल करके मतलब कि बाहर आ रहे हैं और अपना समस्याओं को सामने रख रहे हैं। चुनाव के टाइम में तो लोग डोर टू डोर जाते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन वो उस समय मतलब कि स्पष्ट रूप से खुल करके वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों का भीड़ रहता है और इस टाइम लोग सब फ्री हैं, है ना। तो उस इस समय लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो खुलकर बता रहे हैं और मैं उनकी समस्याओं को देखती हूँ, समझ रही हूँ। अभी सबसे बड़ी समस्या नगर निगम के अंदर तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी देखने को आ रहा है कि नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या है नाला का। नाला तो बन गया है लेकिन उसके ऊपर जो ढक्कन है वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से नहीं है और ढक्कन जो है टूट फूट गया है, टूटा फूटा ढक्कन है और सड़क पर कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है ना। और ख़ासकर नाले के अंदर जो सफाई होना चाहिए प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से, वो तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। नाले के अंदर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है और इसके कारण वो पूरा जल जमाव, नाले के अंदर पूरा जल जमाव है और उसका निकासी का कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण से डेंगू का भी पूरा प्रकोप फैला हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है और गली मोहल्ले जितने भी है पूरा जब अंधेरा होता है तो लोगों को आने जाने में पूरा दिक्कत होता है। यहाँ और पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोगों का बाइक जो रोड पर लगा रहता है तो जाम की समस्या उभर कर देखने को आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की है कि बच्चे लोगों को पार्क नहीं रहने के कारण लोग मतलब कि इंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हैं और जब ये बच्चे और बूढ़े खासकर उन लोगों को तो पार्क का सुविधा होना चाहिए और बच्चे लोग वहाँ पर एंजॉय करेंगे। चौथी पांचवी प्रॉब्लम तो यहाँ खासकर कि ये है कि महिला शौचालय नहीं है। महिला शौचालय सम्मान का प्रतीक है समाज के लिए, तो ये खासकर होना ही चाहिए। महिलाएं जब मार्केट निकलती हैं और 5-6 घंटा हो जाता है तो उनको जब ये समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं कितनी समस्याओं को गिनाऊं आपको, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप एक महिला हैं, दूसरी महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये प्रेरणा देना चाहूंगी कि वो मतलब कि समस्याओं को, जो समस्या उनके साथ आ रहा है वो खुलकर अपना ये बोले, खुलकर बोले और अपने समाज में आकर बढ़ चढ़ करके ये समाज एक दूसरे को मोटिवेट करें आगे आने के लिए कहे कि, और स्वच्छ मतलब स्वच्छ भी की महिलाओं को और पढ़ी लिखी महिलाओं को ही वोटिंग करने का वो सहयोग करें, एक दूसरे का समर्थन दें और ख़ासकर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं दूसरी महिलाओं को समझा अच्छे से समझा सकती हैं और वो देश के विकास के लिए और नगर के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर वो काम कर सकती हैं।